लोग बोरिंगें करवा रहे हैं और काफ़ी महंगी महंगी बोरिंगें करवा रहे हैं। अच्छा इधर की जगह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये देख लें, ये पहाड़ों की जो नगरी है ना, मौसम हुआ है बड़ा भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह, और हवा चलने का कोई गर्म हवा चलने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। दरख्त काट दिए यार, लगता बहुत पुलिस स्टेशन के सामने से बस गुजर रहे हैं और सोचा कि एक अपडेट करें यहाँ से, आज की जो सूरत हाल है वो क्या है, सड़कों पर क्या हो रहा है, मौसम में क्या तब्दीली है, बदलाव है, लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ के इलाके में क्या चल रहा है, ट्रैफिक जो है ज़्यादा ही है, रोज़ ही ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा होता है, और जो चौक है ना यहाँ ट्रैफिक होता ही है, ये काम से जा रहा है नादाबाद नादू के सिर्फ होता है जैसा बहुत मार्केट, और ऊपर जो ब्रिज है ना जैसे गुजर जाए ये बेहतर है। बहुत ही ख़तरनाक ड्राइवर मेरे बराबर में, रक्षा ड्राइवर इससे तो बहुत एहतियात करा करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करा करें। ये जो है ना ये शपाटर है कराची का बुल फाइटर, तो आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट का मोराल है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। डरते नहीं है भाई यहाँ पर ये लोग, कोई किसकी एक्शन किसी चीज़ से, ये किसी से नहीं डरते। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक जैम होता है, वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए कि यहाँ जो है ना अभी काम चल रहा है ट्रिनिटी पर, कुछ पाइप लाइन डाली जा रही हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वो जैम है, आगे पीछे से लोग आ रहे हैं और तो मेरे पाँव पे बाइक चढ़ाते चढ़ाते चले भाई, देखते जाएं और हटते जाएं।
तो मुकम्मल अजान ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हम डिनेटी पर मौजूद हैं, डिनेटी की पुल के ऊपर। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये देखें इंक्रोचमेंट, लीजिए तरह तरह के शूज़ मिल रहे हैं और यहाँ से आप बेधड़क रॉन्ग आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, वो इसलिए कि भाई आगे जो है नुमाइश चुरंगी है और मुहर्रम हराम चल रहे हैं, तो आपको पता है कि नुमाइश टोटल बंद होता है। नुमाइश के साथ साथ सदर जो है वो भी अभी बंद है, और शाम के टाइम जो है उसकी सूरत हाल कुछ ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि मजालिस शुरू हो जाती हैं तो भाई ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और ये आ गई हमारी फ्लावर मार्केट, ये बाइक वाले हजरात मौजूद हैं। और साथ ही आज आपको टिनट्टी के अंदर से लेके चलता हूँ, इलाका दिखाता हूँ, वहाँ के जो घर हैं वो देखते हैं, क्वार्टर्स जिन्हें कहते हैं। तो चलते हैं आज क्वार्टर्स की तरफ चलते हैं। ओहोटी और जमशेद क्वार्टर्स इंटर होने लगे हैं, पतली पतली गलियां हैं और एक साथ बने हुए मकानात। अच्छा इधर की जो छतें ना सब एक साथ चिपकी हुई हैं। एक मेन रोड जो है बस वो चौड़ा है, बाकी सब पतली पतली गलियां हैं। फूल वाली गली से हम लोग एंटर हुए हैं। स्क्रैप में मिल रहे हैं फ्रिज, बल्कि आप इन्हें बेच सकते हैं अपने स्क्रैप वाले फ्रिज और चीज़ें। एरिया में कम से कम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबीलें बनना शुरू हो गई हैं। तो सोचा कि आज देखते चलें कि जमशेद क्वार्टर तक गलियों में क्या हो रहा है, यहाँ पर घर किस तरह के हैं, जमशेद क्वार्टर्स किस तरह का है। और अभी कुछ काम हुआ है, कोई लाइन वगैरह डली है यहाँ पर। गालिबन पानी की लाइन लग रही है मुझे, क्योंकि पानी के पाइप आ रहा है। और केबल माफिया की जानिब से जो केबल वाले हैं, हर जगह तार बिछा दिए इन्होंने इंटरनेट केबल के नाम पर। और जमशेद क्वार्टर टाउन जो है, जो जमशेद टाउन है, ये भी काफ़ी बड़ा है, डोली वाला ज़िला। और अब तो छोटे छोटे घर होते भी नहीं हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर ना ड्रामे भी शूट होते थे, जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं ना यहाँ पर काफ़ी शूट हुए हैं।
तालाब आने वाला है। बड़े ख्याल से हरे कलर का जो तालाब था वो निकल चुका है इस वक्त। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर रहते थे और अब वो चले गए हैं, अपना इलाका देखना चाहते हैं कि पुराने इलाकों से उनकी यादें जो है बहुत वाबस्ता होती हैं। क्या खूबसूरत लकड़ी का दरवाज़ा है। पुराने ज़माने का लकड़ी का दरवाज़ा। बोरिंग हो रही है, जाहिर सी बात है जब लाइनों में पानी नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरिंग ही करवा रहे हैं और काफ़ी महंगी महंगी बोरिंग ही करवा रहे हैं। क्वार्टर्स की ना मजबूरी होती है, वो आप और उनको बना नहीं सकते, शायद इसलिए ये घर जो है ना छोटे छोटे बने हैं। अब आ गया है जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन, वली हुसैन रोड ये कहलाता है। साथ में मनोरे टाउन और ये शवाइब है कि बस अब हम जमशेद क्वार्टर से बाहर निकलने वाले हैं और निकल चुके हैं, लगभग हम निकल चुके हैं दोस्तों। और ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए, सोचा कि आप लोगों को जमशेद क्वार्टर दिखाए जाएंगे उन लोगों के लिए वीडियो जो लोग यहाँ रहते थे और अब चले गए हैं अपना इलाका देखना चाहते थे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे नई जगह नए मकाम के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई अपडेट पर।